हेलो गाइस, वेलकम टू टैसिट क्लासेस इंग्लिश विद मोनिका। हमारा आज का टॉपिक है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसके पहले हमने वीडियो में देखा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो आइए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। देखिए, पहले हमने आपको क्या बताया था कि इंग्लिश बोलने के लिए हमको टेंस आना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, उस टेंस की पहचान क्या होती है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या है कि इस टेंस के सेंटेंस में काम का जारी रहना पाया जाता है, यानी काम जो है प्रेजेंट यानी वर्तमान काल में चल रहा होगा। तो ये हमारे इस टेंस की पहचान हुई। और क्या पहचान होगी कि हिंदी के जो भी सेंटेंस होंगे आपके, यानी वाक्य की क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ये तो हुई इसकी हिंदी की पहचान। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इज आर एम, वो कैसे होगी, उसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगी। और वर्ब कौन सी यूज़ होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, यानी वर्ब की आईएनजी फॉर्म का इसमें यूज़ होगा। तो आइए देखते हैं कि एफर्मेटिव सेंटेंस में हम किस प्रकार से यूज़ करेंगे। ठीक है, रूल नंबर वन, यदि आपका सब्जेक्ट ही शी इट और सिंगुलर नाउन सब्जेक्ट के साथ इज लगाकर वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं, मतलब ये हुआ कि यदि आपका सब्जेक्ट ही शी इट है तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे कि उसमें हेल्पिंग वर्ब इज लगाएंगे और वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करेंगे। ठीक है, रूल नंबर टू क्या हुआ कि यू वी दे और प्लूरल नाउन सब्जेक्ट के साथ आर लगाकर वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। तीसरा रूल क्या हुआ, आई के साथ एम लगाकर वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। तो ये तो हुए इसके एफर्मेटिव सेंटेंस के रूल। अब इसको हम स्ट्रक्चर की सहायता से आपको समझाते हैं। देखिए, यदि सिंगुलर सब्जेक्ट है, यदि आपका सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है, तब आप क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद इज, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर आपका जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर आर लिखेंगे, फिर वर्ब लिखेंगे, कैसी वर्ब, वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक है, अब इसी तरह से यदि आपका आई आया हुआ है, यानी आपका जो सब्जेक्ट है वो आई है, तो आई के साथ हम एम का प्रयोग करते हैं। देखिए, मैंने नोट करके आपको बताया, नोट, आई के साथ एम का प्रयोग होता है क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट तो आई भी है लेकिन यहाँ पर आई के साथ एम लगाया जाता है। देखो, एग्जांपल से बताती हूँ आपको, वह पतंग उड़ा रहा है, ही इज़ फ्लाइंग अ काइट। यहाँ पर ही है, ही हमारा कैसा है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हमने इज़ का यूज़ किया, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आईएनजी फॉर्म लगाई जाती है इसलिए हमने आईएनजी लगाई। नेक्स्ट देखते हैं, मैं कानपुर जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू कानपुर। आई हमारा सब्जेक्ट है इसलिए हमने हेल्पिंग वर्ब एम का यूज़ किया है। यहाँ पर तुम अपना पाठ याद कर रहे हो, यू आर लर्निंग योर लेसन। वे अपना समय नष्ट कर रहे हैं, दे आर वेस्टिंग देयर टाइम। देखो बच्चों, हमने क्या देखा, यहाँ पर हमारी हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर इसमें यूज हुई है, साथ ही साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाई, देखो फ्लाइंग, गोइंग, लर्निंग, वेस्टिंग। तो बस यही आपको याद रखना है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या करते हैं, हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज़ करते हैं और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम इज़ का यूज़ करते हैं, प्लूरल के साथ आर का यूज़ करते हैं, आई के साथ एम का यूज़ करते हैं, और यू को भी हम कैसा कर मानते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट ही मानते हैं, पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था। अब इसके नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस बहुत आसान होते हैं इसके।
कैसे नेगेटिव सेंटेंस में हम सिर्फ इतना करेंगे कि हमारी जो इज आर एम हेल्पिंग वर्ब है ना, उसके बाद हम नॉट का यूज़ करेंगे, बस बाकी पूरा स्ट्रक्चर जैसे एफर्मेटिव में था वैसे ही रहेगा। ठीक है, इसलिए मैंने इसके ज़्यादा रूल ना लिखा के सिर्फ आपको इतना ही समझा दिया। देखिए, लिखा दिया इज एम आर के बाद नॉट लगाकर वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं। वह अपनी गुड़िया से नहीं खेल रही है, तो शी इज नॉट प्लेइंग विद हर डॉल। ओके, शी इज नॉट प्लेइंग विद हर डॉल। अगला देखिए, मैं तस्वीर नहीं देख रहा हूँ, आई एम नॉट सीइंग द पिक्चर। कुछ नहीं किया हमने, सिर्फ क्या किया, यहाँ पर इज के बाद नॉट लगा दिया, यहाँ पर एम के बाद नॉट लगा दिया, बाकी वही है, आई एन जी फॉर्म का यूज़ किया है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आया है। ठीक है, अब अगला देखिए, अगला क्या है, अगला है हमारा गाय घास नहीं चर रही है, द काव इज नॉट ग्रेजिंग ग्रास। सेम, काव क्या है, सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, इसलिए इज का यूज़ हुआ, नेगेटिव है इसलिए नॉट का यूज़ हुआ, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का है इसलिए क्या हुआ, ग्रेजिंग, यानी ग्रेजिंग हमने वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज़ किया। ठीक है, तो ये हुए प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। अब आगे चलते हैं, अब आगे हमें क्या करना है, आगे हमें करना है इंटरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इंटरोगेटिव क्या है, इंटरोगेटिव का मतलब है प्रश्नवाचक वाक्य। जो प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं ये कैसे होते हैं, आपको मैंने पहले वीडियो में भी समझाया था कि टू टाइप के होंगे। पहला तो क्या होगा कि क्या शब्द से, हिंदी में वह क्या शब्द से शुरू हो रहा होगा, और दूसरा टाइप क्या होगा, जो आपके क्वेश्चन वर्ड हैं, क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, ये उसके बीच में आएंगे। तो दोनों ही टाइप के इंटरोगेटिव सेंटेंस के रूल में थोड़ा थोड़ा अंतर है, वो मैं आपको समझाती हूँ। देखिए, रूल नंबर वन क्या है, यदि सेंटेंस क्या शब्द से आरंभ हो तो इज आर एम को सब्जेक्ट से पहले लगाते हैं और वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज़ करते हैं, बस आपको यही ध्यान रखना है। ठीक है, यदि आपको हिंदी का सेंटेंस ऐसा है, क्या तुमने खाना खाया है, क्या तुम खाना खा रहे हो, है ना, इस तरीके से आ रहा है, तो क्या करेंगे हम ध्यान रखेंगे कि हम यहाँ पर सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। ठीक है, अगला देखिए, अगर सेंटेंस के बीच में क्वेश्चन वर्ड्स कब, क्यों, कहाँ हो, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगाते हैं, फिर इज आर एम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं। ठीक है, जो भी सब्जेक्ट होगा हमारा, यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है तो हम इज यूज़ करेंगे, प्लूरल है तो आर करेंगे, आई है तो एम करेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगला रूल देख लेते हैं, हाउ मैनी, हाउ मच, हुज, विच के साथ इनसे संबंधित नाउन भी साथ में ही लिखी जाती है। देखो बच्चों, कौन सा, कितने, किसका, इस तरीके के वर्ड्स अगर आते हैं तो इनसे रिलेटेड नाउन इनके साथ ही लिखी जाती है। अब हम ऐसा नहीं करेंगे, अभी हमने पहले क्या बताया था, पहले हमने बताया था क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद इज आर एम, फिर सब्जेक्ट, लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे, इससे रिलेटेड नाउन जो होगी, यानी इससे रिलेटेड जो सब्जेक्ट होगा, जैसे कितना दूध, कितना पानी, कौन सी किताब, किसकी किताब, तो हम उसके साथ जो नाउन है वो साथ में लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा। ठीक है, अगला चलते हैं, यदि सेंटेंस में हु मतलब कौन सब्जेक्ट हो, यदि हु ही उसका सब्जेक्ट है, वही क्वेश्चन वर्ड है, तब क्या करेंगे हम, हु के बाद इज आर एम, इज आर एम मैंने स्लैश लगा के लिखा हुआ है, मतलब जैसा भी उसका सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग फिर वर्ब की आई एन जी फॉर्म लगाते हैं, यानी हु वाले में बस हमें यह ध्यान रखना है कि और तो कोई सब्जेक्ट होगा नहीं उसमें, हु ही सब्जेक्ट है, तो हमको सीधा उसमें इज आर एम लगा देना है, उसके बाद वर्ब की आई एन जी फॉर्म और आगे उसका ऑब्जेक्ट। अगला रूल देख लेते हैं, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में वर्ब से पहले नॉट लगाते हैं। सेम वही स्ट्रक्चर होगा,
जो हमने अभी आपको बिगिन विद हेल्पिंग वर्ब वाले में बताया, बिगिन विद डब्ल्यू एच वर्ड वाले में बताया, सेम वही स्ट्रक्चर होगा। सिर्फ क्या होगा, वहाँ पर हम जो है वर्ब से पहले नॉट का यूज़ करेंगे। ठीक है, अब रूल नंबर 6, सेंटेंस के अंत में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत ही ज़रूरी है ना। आपको ध्यान रखना है कि अगर हम इंटरोगेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क हम ज़रूर लगाएं। हम बोलें या लिखें, क्वेश्चन मार्क का ध्यान रखना है। बोलने में हम क्वेश्चन मार्क तो नहीं बोलेंगे, लेकिन हमें बोल के ऐसा भाव दिखाना है कि हम प्रश्न पूछ रहे हैं। ठीक है, सॉरी। स्ट्रक्चर देख लेते हैं इसका। इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखो ये स्लैश लगा के लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। ठीक है, जो भी सब्जेक्ट होगा आपका, सिंगुलर प्लूरल या आई, उसके अकॉर्डिंग आप इज आर एम में से कोई एक उसमें लगा देंगे। ठीक है, ये हुआ पहला, यानी बिगिन विद हेल्पिंग वर्ब वाले का, जिसमें हिंदी में क्या शब्द आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, डब्ल्यू एच वर्ड्स। डब्ल्यू एच वर्ड्स कौन से, जिसमें हिंदी में आएगा क्यों, कब, कहाँ, कैसे, तो पहले इनकी इंग्लिश लिखेंगे हम। तो डब्ल्यू एच वर्ड्स प्लस इज आर एम प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आई होप आपको समझ में आ रहा है। यदि आपको कहीं भी कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या लड़कियां कमरे में पढ़ रही हैं, तो आर द गर्ल्स रीडिंग इन द रूम। लड़कियां क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए हमने क्या यूज़ किया, आर यूज़ किया। सेंटेंस कैसे शुरू हो रहा था, क्या से शुरू हो रहा था। ठीक है, तो जब क्या से शुरू हो रहा था तो हम हेल्पिंग वर्ब से ही उसे शुरू करेंगे। आगे चलें, क्या तुम आज स्कूल नहीं जा रहे हो। अब सेम, आर यू नॉट गोइंग टू स्कूल टुडे। अब ये इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस आ गया। मैंने आपको बताया था ना, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में क्या करेंगे हम, कि मेन वर्ब जो है उससे पहले हम नॉट लगा देंगे। हमने यहाँ लगाया हुआ है, आर यू नॉट गोइंग टू स्कूल टुडे। नेक्स्ट, क्या सूर्य आकाश में निकल रहा है। सूर्य क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हमने इज का यूज़ किया। इज द सन राइजिंग इन द स्काई। नेक्स्ट देखते हैं, तुम वहाँ क्यों जा रहे हो। अब ये देखिए, क्यों, क्यों ये क्वेश्चन वर्ड जो है, प्रश्नवाचक शब्द जो है, ये बीच में आया है, मतलब इसकी इंग्लिश अब हमें सबसे पहले लिखनी होगी। तो हमने क्यों की इंग्लिश क्या लिखी, वाई। अब हमारा सब्जेक्ट है तुम, यानी यू, तो यू के संग क्या यूज़ करते हैं हम, आर। यू के साथ हम आर यूज़ करते हैं, इसलिए हमने क्या लिखा, वाई आर यू गोइंग देयर। क्लियर, आगे चलते हैं। बच्चा कितना दूध पी रहा है। अब देखिए यहाँ पर क्या आया, कितना, मैंने आपको बताया था हाउ मैनी, हाउ मच, विच, हुज, इनके साथ क्या होगा, इनसे रिलेटेड नाउन इनके साथ ही लिखी जाएगी, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा। तो अब कितना से रिलेटेड क्या है, दूध, इससे संबंधित नाउन क्या हुई, दूध। तो हम कैसे लिखेंगे, हाउ मच मिल्क इज द चाइल्ड ड्रिंकिंग। ठीक है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस है। अगला देखते हैं, तुम्हारे नौकर को कौन पीट रहा है। हु इज बीटिंग योर सर्वेंट। हु वाला सेंटेंस है, हु इसमें सब्जेक्ट है, और हमने इज इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पर सिंगुलर नंबर है, तो हु इज बीटिंग योर सर्वेंट। ठीक है, तो अब ये हुआ बच्चों प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसके आगे वाले वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। मैंने आपको पहले भी बोला है बच्चों, यदि आपको इसकी ट्रांसलेशन की सीरीज़ बनवानी है, आपको इसकी ट्रांसलेशन चाहिए, तो आगे जैसे मैं टेंस की सीरीज़ बना रही हूँ, ऐसे ही आपके लिए ट्रांसलेशन की सीरीज़ भी बना दूंगी। आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए। थैंक यू।